न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो का पद से इस्तीफा। न्यूयॉर्क के गवर्नर पर 11 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मामला सामने आने के बाद जो बाइडेन सरकार ने भी न्यूयॉर्क के गवर्नर पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। चुनाव में धांधली के आरोप पर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सफाई, कहा पिछले साल हुए चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी थे। परिणाम का विरोध करने वाले लोग इतिहास को तोड़ना चाहते थे लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। राष्ट्रपति चुनाव के एक साल पूरा होने पर राजधानी मिन्स्क समेत कई जगह पर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कोरोना को लेकर चीनी थिंक टैंक ने अमेरिका पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से विफल रहा। चीनी थिंक टैंक का दावा है कि अमेरिका में कोरोना से 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगले महीने कोरोना वैक्सीन मॉडर्ना की पहली खेप में 10 लाख खुराक पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि 16 साल से अधिक उम्र के सभी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को साल के अंत तक हम वैक्सीन की एक डोज लगा देंगे। तीसरी वैक्सीन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्ना को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ गया। बढ़ते केसेस के कारण टेम्बूत शहर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। 24 घंटे में न्यू साउथ वेल्स में 283 मामले दर्ज किए गए, ये पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जलवायु परिवर्तन पर जारी की गई IPCC की रिपोर्ट पर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आया, कहा कोई आश्चर्य नहीं कि हम इमरजेंसी में हैं, अभी बुरे परिणामों से हम बच सकते हैं, इसके लिए हमें बहादुर बनना होगा। जलवायु परिवर्तन को IPCC की रिपोर्ट में मानवता के लिए खतरे की घंटी बता दिया गया। नागासाकी पर परमाणु हमले की 76वीं बरसी पर जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि में नागासाकी पीस पार्क में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। हिरोशिमा हमले के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर आधी रात को वाहनों की लंबी लंबी लाइन लगी। कनाडा ने सोमवार से अमेरिकी नागरिकों और स्थानीय निवासियों को प्रवेश की अनुमति दे दी, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले। यात्रा की मंजूरी उन्हीं को दी गई है जिन्होंने कोरोना की दोनों डोजेस लगवा ली। जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने कोरोना से जुड़ी परेशानियों के बाद भी ओलंपिक खेलों के सफल और सुरक्षित आयोजन करने के लिए देशवासियों को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि खेल एक साल के लिए स्थगित जरूर किए गए लेकिन कड़े दिशा निर्देशों के बीच संपन्न हुए और देश ने जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। ओलंपिक खेलों के समापन के बाद ओलंपिक सदस्यों ने सोमवार को टोक्यो को कहा अलविदा। दर्जनों कर्मचारी टोक्यो से अपने अपने देशों के लिए रवाना हुए। ओलंपिक सदस्यों ने मेजबान देश जापान को कहा थैंक यू जापान।